नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डिग डि अब हम ये देखते हैं कि ई कॉमर्स की स्पेशलाइज कैटेगरीज कौन सी हैं सबसे कॉमन और सबसे फेमस कैटेगरी दैट इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर आसान लफ्ज़ों में कि नॉर्मली क्या होता है अगर इफ़ आई कम्पेयर इट विद द ट्रेडिशनल बिजनेस के एक मैनुफेक्चर कोई चीज़ प्रोड्यूस की उसके पास रिटेल शॉप वाले आए उन्होंने वो चीज़ उसे खरीदी अपनी शॉप पे रख दी मैं एज अ कंज्यूमर रिटेल शॉप पे गया मैंने रिटेल शॉप से वो चीज़ खरीदी और मैं घर आ गया तो जो रिटेल शॉप वाले हैं वो डिफरेंट रेट के ऊपर परचेस करते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और जो वो चीज़ बेचते हैं कंज्यूमर को वो डिफरेंट रेट के ऊपर बेचते हैं और जो दोनों का गैप होता है वो उसका प्रॉफिट होता है ये आसान लफ्ज़ों में बिजनेस साइकोलॉजी है नंबर वन अब बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कैसे काम करती है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स काम बिल्कुल ऐसे ही करती है फर्क सिर्फ यह है कि बिजनेस टू कंज्यूमर में कोई थर्ड पार्टी नहीं होता मतलब आई डोंट नीड टू गो टू एनी फिजिकल शॉप लेकिन हूं मैं एंड यूजरी मैंने खरीदना प्रोडक्ट ही है प्रोडक्ट खरीदना किससे है मैन्युफैक्चरर से लेकिन कोई रिटेल शॉप नहीं है बीच में रिटेल शॉप ऐसी नहीं है जो जिससे मैं जाके खरीदूंगा वो रिटेल शॉप हमारे केस में ऑनलाइन स्टोर है एक ऑनलाइन पोर्टल है अब जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की दैट्स अराउंड सेवन पॉइंट फाइव बिलियन उसमें से जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो इंटरनेट यूजर दैट दीज आर अराउंड फोर पॉइंट वन फोर पॉइंट जीरो फिफ्टी परसेंट लोग ऑन अर्थ एज वी स्पीक इन टू मार्च एटीन 53 थ्री परसेंट लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वेरी बिग नंबर एक्चुअली उसके बाद जो एक्टिव सोशल मीडिया पे हैं बाय सोशल मीडिया आई मीन फेसबुक लिंक्ड इंस्टाग्राम स्नैपचैट एनसो ऑन वो थ्री बिलियन हैं कि जब आप ये कोर्स देखें रिकनफर्म करेंट फिगर विल बी ज़्यादा फोर्टी टू परसेंट है अब जो यूनिक मोबाइल यूजर्स है यूनिक मोबाइल यूजर्स मुराद हुआ है जो लोग मोबाइल के जरिए इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं वो फाइव पॉइंट वन बिलियन है तो 68 penetration, that's a क्रैकी बिग नंबर बहुत बड़ा नंबर है ये और सोशल मीडिया पर जो यूनिक नंबर है मोबाइल का दैट इज ऊपर नाइन बिलियन दैट इज थर्टी नाइन परसेंट पेनिट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड यानी इंटरनेट के ऊपर जो uh, इंटरनेट की पेनीट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है आजकल एंड और अगर आप इफ यू ट्राई टू कंपेयर इट ये बहुत एक्सपोनशियली ग्रो की है सो so, दिस ट्रांसलेट टू वन वेरी की थिंग के बिजनेस टू कंज्यूमर में जो हमारे एट द एंड ऑफ द डे पोटेंशियल कस्टमर हैं वो सारे वो लोग हैं जो इंटरनेट पर मौजूद है जो कि तकरीबन चार अशारिया जीरो टू बिलियन यूजर हैं दैट इज फिफ्टी थ्री परसेंट ऑफ द टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन अब इतना बड़ा नंबर या इतनी बड़ी ऑडियंस आपको किसी एक जगह नहीं मिल सकती तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग हमारी जो टारगेट ऑडियंस है आ, वो बेसिकली जो बी टू सी पोर्टल के थ्रू शॉपिंग करती है वो 53 परसेंट है नाउ लेट अस सी के जो बी टू सी को अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं वो एक्चुअली एक ऑनलाइन स्टोर है जब हम किसी को कहते हैं कि जी मैंने एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है तो वो एक्चुअली हम बी टू सी ई कॉमर्स की बात कर रहे होते हैं आसान लफ्जों में कि फॉर एग्जाम्पल मैंने uh, एक शॉपिंग कार्ड बना लिया मैंने ओपन uh, सोर्स को टूल यूज कर लिया उस टूल को यूज करते हुए मैंने फॉर एग्जाम्पल अपना शॉपिंग कार्ड बना लिया तो एक्चुअली मैं बी टू सी की बात कर रहा होता हूँ दैट इज द मोस्ट मोस्ट कॉमन वे ऑफ कंडक्टिंग ई कॉमर्स अब एक लाइफ साइकिल मैं आपको बताता हूं जेनेरिक लाइफ साइकिल है सबसे पहले देखें एक एक कस्टमर है कस्टमर ऑनलाइन स्टोर पे आया अब जो ऑनलाइन स्टोर है वो किसी जगह पे मौजूद है यानी वर्चुअल जगह पे मौजूद है कोई डोमेन नेम उसके साथ मैंने मैप किया होगा कोई मैंने शॉपिंग कार्ट पीछे डेवलप किया होगा और उसका कोई यू होगा जो मैंने कस्टमर को दिया होगा उस ऑनलाइन स्टोर की अपनी एक इन्वेंट्री होगी अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि स्टोर वर्चुअल है इन्वेंट्री कैसी होगी वर्चुअल स्टोर की स्टोर वर्चुअल है लेकिन उसके उसके अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं वो तो फिजिकली कहीं ना कहीं पड़ी है वेयर हाउस के अंदर ना तो वो वेयर हाउस की जो क्वांटिटी है वो हम जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स हम ऑफर करेंगे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर मतलब ये हुआ कि चाहे हमारा स्टोर ऑनलाइन है चीजें तो फिजिकली वेयर हाउस में पड़ी हैं चीजें फिजिकल मौजूद है उसके बाद मैंने जो प्रोडक्ट हैं वो अपनी शॉपिंग कार्ट में ऐड कर ली फॉर एग्जांपल देन आई हैव आई विल बी राउटेड टू द पेमेंट मैकेनिज्म अब अब पेमेंट मैकेनिज्म इज़ अ वेरी डिबेटेबल इशू अभी हम सिर्फ ये कंसिडर करते हैं कि शॉपिंग कार्ट के ऊपर या ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कोई ना कोई पेमेंट रिसीव करने का मैकेनिज्म मौजूद है पाकिस्तान के अंदर अराउंड 80 परसेंट जो पेमेंट है वो सी के जरिए रिसीव होती है यानी कैश ऑन डिलीवरी मीन कि मैंने एक चीज़ ऑर्डर की ऑनलाइन स्टोर से मैंने ऑनलाइन पेमेंट नहीं की मैंने ऑनलाइन परचेज की और वो चीज़ जब मेरे पास मेरे घर में रिसीव होगी ओनली देन आई विल पे

बिहाइंड द सीन्स क्या और बिहाइंड द सीन्स कुछ चीज़ें फिजिकल वेयर हाउस से कहीं मूव हो रही होंगी डिलीवरी के अंदर जा रही होंगी ताकि वो जो फिजिकल प्रोडक्ट है अगेन ये बात दिमाग में रखिएगा मैं किसी ऑडियो बुक की बात नहीं कर रहा मैं किसी ऑडियो uh, कैसेट की बात नहीं कर रहा आई एम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विस कि मैंने किसी से बुक कीपिंग सर्विस परचेज कर ली नो आई एम टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल थिंग विच इज अवेलेबल वर्चुअली तो चीज फिजिकली ही है लेकिन उसकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन उसकी सारी की सारी हैंडलिंग हो वर्चुअली रही है लेकिन मुझे मिलनी फिजिकल चीज है यानी फॉर ऑर्डर क्लोज तो मुझे सिर्फ पिक्चर नजर आ रही होगी शॉपिंग कार्ट में रिसीव मुझे पिक्चर नहीं होनी रिसीव मुझे फिजिकल क्लोथ होंगे तो ये यह आपने साइकिल समझनी है कि दैट्स आई पीपल प्रिफर कैश ऑन डिलीवरी लोग क्रेडिट कार्ड या आ, ए टीएम कार्ड को अगर अनेबल किया हुआ है ऑनलाइन पेमेंट के लिए वो कम यूज करते हैं वो सिर्फ उस वक्त यूज करते हैं जब फॉर एग्जाम्पल की बाय से प्रिक्योरमेंट करनी है जहां पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं है रीजन के जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा अट्रस्ट का फैक्टर है और पीपल आर स्केप्टल जो ऑर्डर किया है क्या वाकई वही रिसीव होगा अगर वो रिसीव नहीं होता तो रिफंड ऑनलाइन पेमेंट का तो नहीं हो सकता ना तो इस वजह से uh, लोग ज्यादा स्केप्टिकल हैं एनी हाउ बट दिस ट्रेंड इज इंप्रूविंग तो

Uh, कम है तो ऑब्वियसली कभी भी ई e कॉमर्स का जो बिजनेस है वो बूम नहीं कर सकता अगर इंटरनेट ही वीक है फॉर एग्जाम्पल अब थ्री जी पाकिस्तान में बहुत साल पहले नहीं आया चार पाँच साल पहले ही आया तो इसकी एक रीजन है ई e कॉमर्स की ग्रोथ uh, इससे पहले ना होने की बहुत बड़ी रीजन पाकिस्तान में हाई स्पीड इंटरनेट की नॉन अवेलेबिलिटी थी कि इंटरनेट हाई स्पीड का था ही नहीं और ये सारी चीज़ें चलती ही हाई स्पीड इंटरनेट के ऊपर है सिंपल एग्जाम्पल है अगर मैं किसी वेबसाइट पे गया हूँ इवन फॉर एग्जाम्पल पे गया हूं अगर Amazon की वेबसाइट को लोड होते हुए ही एक मिनट लग गया है, तो एज अ कंज्यूमर आई वॉन्ट गो टू दिस वेबसाइट एंड लिटरली आई डोंट केयर कि वो वेबसाइट का इंटरनल कोई आ, उसकी कोडिंग गंदी हुई हुई है या मेरे इंटरनेट कनेक्शन का मसला आई वॉन्ट गो देयर तो ऑन एज यूजर आजकल जो डिटेंशन रेट है किसी भी कंज्यूमर का वेबसाइट के ऊपर वो दो से तीन सेकंड से ज्यादा नहीं है मतलब ये कि मैं किसी वेबसाइट पे गया मुझे अपनी मर्जी का प्रोडक्ट अगर दो तीन सेकंड में नहीं मिला आई विल चेंज वेबसाइट मैं किसी और वेबसाइट पर चला जाऊंगा क्योंकि इतनी ज्यादा आजकल मेरे पास वेराइटी मौजूद है एनी हाउ टू टू सम अप कि बिजनेस टू कंज्यूमर जो है उसका जो की अनेबलर है यूं कह लें वो टेक्नोलॉजी है अब टेक्नोलॉजी से मुराद मेरा कत्न ये नहीं है कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की है सीई की है पी एच पी की है जावा की है नो no. टेक्नोलॉजी से मुराद है इंटरनेट कनेक्शन द इंटरनेट गेट वे हाउ फास्ट आर इंटरनेट गेट वे इज लाइक थ्री जी फोर जी आज कल लोग फाइव जी की बातें कर रहे हैं कि ट्वेंटी ट्वेंटी में फाइव जी की uh, जो सैंपल uh, जो uh, उसका है या uh, उसका ट्रायल रन जो है वो मेरे खाले यूके में लॉन्च कर रहे हैं सो द एंड द पीपल आर टॉकिंग अबाउट गीघा बाइट्स अभी हम फोर uh, जी की बात कर रहे हैं फिर हंड्रेड जी की बात हो रही है एंड सो ऑन सो दिस विल एक्चुअली अनेबल ऑनलाइन स्टोर या ई कॉमर्स ग्रोथ